अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सप्तविंशः सर्गः श्रीवसिष्ठौ उवाच तस्मिन् गिरितटे ग्रामे तस्य मण्डपकोटरे अन्तर्धिमाश्वायययतुस्तत्रस्थे एव ते स्त्रियौ अस्माकम् वनदेवीभ्याम् प्रसाद कृत शांत दुखे गृहजने व्यापार परेश मंडपाकाशसलीना सरस्वती व्योम रूप व्योम रूप स्मया तूषणीव स्थिता संकल्प स्वन यत्र संकथनं मिथः यथेहार्थक्रियाम धत् तयोह सा संकथा तथा पृथ्वी आदि नाडी प्राणादि ऋतेप्यभुदितातयोह सा संकथन संबितति स्वप्नसंकल्पयो रिवो श्री सरस्वती जेय ज्ञातमशेषेण दृष्टा दृष्टादृशीय ब्रह्मसत्ता कि वदपृसी लीलोवाच मृतस भर्तुर्जीवसौ यज्यं कौती मे तहम कि त्रृष्टा न हम श्री सरस्वतुवाच अभ्यास नीना वत्स तदावत निश्चय नूनमस्तम गूं निःशेषम वरवर्णिनी अद्वैत यो नासौ कथमदतकम

सम्पश्यवित्यभिमतम् फलितम् तव सुन्दरी इदानीम् तस्य भर्तुस्त्वम् समीपम् यदि गच्छसि तत्तेन व्यवहारस्ते पूर्ववत् सम्प्रवर्तते लीलोवाच इहैव मन्दिराकाशे पतिर्विप्रो ममाभवत् इहैवसामृत भूत्वा संपन्नो वसुधाधिप इहैव तस्य संसारे तस्मिन् भूमंडलांतरे राजधानी पुरे तस्मिन् पुरंध्र्यस्मि व्यवस्थिता इहैवांतः पुरे तस्मिन् सामृतो मम भूपति ईहै वान्तह पुराकाशे तस्मिन्ने वो पुरे निर्पो सम्पन्नो वसुधा पीठे नाना जनपदेश्वरह सर्वार्जवजवी जव भाव ईहै वै बंब्यवस्थितो अस्मिन्ने वग्रिहाकाशे सर्वाब्रह्मांड स्थिता मुद्दे मे योत्क सदा दूरमहम मे तर्म मंडल क्वचिपाश् स्थित यथा पश्या तत्कु श्रीदेव्युवाचो भूतलारुंधति सु भर्तारस्तव संप्रति त्रयो नामाथवा भूवन बहव शतसम्मता नेदीयसाम त्रयाणाम तु द्विजस्ते भस्मताम गतः राजा माल्यांतरगतः संस्थितोंतः पुरे शवः संसार मंडले यस्मिन तृतीयो वसुधाधि महासंसारजलधि पति भ्रम्मागत भोगकोलनाकोमलेतन जाड्यजर्जरचित वृत्ति संसाराभोधि क्षप चिराज कुर्वन्नप्याकुलाण्यभे सुप्तः स्थितो जडतया न जागर्ति भवभ्रमे ईशवरोहमहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी इत्यनर्थमहारज्वा बलितो वशताम गतः ततकस्य पद भरतुस्वाम समीपम वरवर्णिनी वात्यावनान्तरम् गन्धलेखामिव बनान्नये अन्य एव हि संसारः सोऽन्यो ब्रह्माण्डमण्डपः अन्या एव तथा वत्से व्यवहारपरम्पराः संसारमण्डलानिह तानि पार्श्वे स्थितान्यपि दूरं योजनकोटीनाम् कोटयस्तेष्विहान्तरम् आकाशमात्रमेतेषा मिदं पश्या वपुः पुनः मेरुमन्दरकोटीनाम् कोटयस्तेष्वस्थिताः परमाणौ परमाणौ सर्ववर्गानिरर्गलम् महाचिते स्फुन्तर्कुची वोसरेण वह महारंभगुरू्य मी ब्रह्मांडका तुयाधनका नो नात्मल्योत ना बनबदभाति पृथ्वी आदि भूतरहिता जगत् चित्भाति चिन्तया कचतिज्ञप्तिरे वेदं जगदित्यादिनात्मनी नतु पृथ्वी आदि संपन्नं सर्गादावेव किंचनो यथातरंगः सदसि भूत्वा भूत्वा पुनर्भवेत् विचित्र आकार कालांग देशाज्यप्ता बलम तथा लीलोवाच এবমেত स्मृतमिहाधुना धर्मया स्मृतमिहा धुना ममेदं राजसं तमो जन्म नतमो नच सात्विकं ब्राह्मणस्ववतेर्णाया कष्टौ मे नानायोनीन्यतीतानि पश्यामी वाधुना पुनः संसारमण्डले देवि कस्मिंश्चिदभवम् पुरा लोकान्तराब्जभ्रमरी विद्याधरबराङ्गना दुर्वासना कलुषिता ततोऽहम् मानुषी स्थिता संसारमण्डलेऽन्यस्मिन् पन्नगेश्वरकामिनी कदम्बकुन्दजम्बीरकरञ्जवनवासिनी पत्राम्बरधरा श्यामा शबर्यः मथा भवम् वनवासनया मुग्धा सम्पन्नाह मथोद्धता गुलुच्छनयना पत्रहस्ता बन विलासिनी पुण्याश्रमलता साहम मुनि संग पवित्रिता बनाग्निदग्धा तस्यैव कन्या भूवं महामुने अस्त्री त्वफलदात्रीणां कर्मणां परिणामतः राजाहमभवं श्रीमान सुराष्ट्रेषु समाह शतम् तालिनां तलकच्छेषु राजदुष्कृतदोषतः नकुली नववर्षाणि कुष्ठनष्टाङ्गिकाभवम् वर्षाण्यष्टौ सुराष्ट्रेषु देवीगोत्वं कृतमया मया दुर्जनदुष्टाज्ञ बालगोपाललीलया विहङ्ग्या वैरविन्यस्ता बागुरा बिपिना वनौ क्लेशेन महताच्छिन्ना अधमा बासना इव क्रोडशय्यासु विश्रान्तमलिना सह पद्मकुड्मलकोशेषु भुक्तकिञ्जल्कयार्हः भ्रान्तमुत्तुङ्गशृङ्गासु हरिण्याहारिनेत्रया वनस्थलीसु रम्यासु किराताहतमर्मया दृष्टं नष्टासु दिक्ष्वब्धि कल्लोलैरुह्यमानया मत्स्याम्बुकच्छपाच्छोडे मोघमाननताडनम् पीतं तीरे गायन्त्या मधुरस्वरम् पुलिन्द्या नालिकेररसासवम् सारसी सारसीसरसालिन्या सीत्कारमधुरस्वरं सारसः सुरतैः स्वैरं सामन्तश्चारुरञ्जितः तालीतमालकुञ्जेषु तरलानननेत्रया क्षीबप्रेक्षणविक्षोभैः कृतं कान्तावलोकनम् कनकस्यन्दसन्दोह सुन्दरैरङ्गपञ्जरैः स्वर्गेऽप्सरोऽम्बुजिन्यासु तोषिताः सुरषट्पदाः मणिकाञ्चन माणिक्यमुक्ता निकरभूतले कल्पद्रुमवने मेरौ यूना सह रतम् कृतम् कल्लोलाकुलकच्छासु लसद्गुच्छलतासु च वेलाबनगुहास्वब्धेश्चिरम् कूर्मतया स्थितम् तरत्तारतरङ्गासु दोलनं सरसालिनाम् चलच्छदपटालीषु राजहंस्यम् मया कृतम् शाल्मलीदलोलानामान्दोलनदरिद्रताम् मशकस्य मया लोक्य दीनं मशकया स्मितम् तरत्तारतरङ्गासु चंचदीच्यग्रचुंबन भ्राता शैलस्रवंतीशु जलमंजुली गंधमादन मंदार मंदिरे मदना पाति पाद पूद्याधरकुम कर्णिकर्पूरपूरषु तलेशु व्यसना चिरं विलुलितास्मिन्दुबिम्बेष्विव शशिप्रभा योऽ निष्वनेकविधदुःखशतान्वितासु भ्रान्तं मनोन्नमनसन्नमनाकुलात्मा संसारदीर्घसरितश्चलयालहरिया दुर्बारबातहरिणी सरण रमेण इत्यादि श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये उत्पत्ति प्रकरणे जन्मांतरवर्णनम नाम सप्तविंश सर्गः अथ अष्ट सर्गः श्री रामौ वाच ब्रह्मांड कुड्यान निविडमण्डलात् कोटि योजना सम्पुष्टात् कथंते निर्गते बले श्री वशिष्ठो वाचो क्वा ब्रह्मांडं क्वतद् भित्तिः क्वात्रासौ वज्रसारता हिलावश्यं स्थिते देव्यावन्तपुर बराम्बरे तस्मिन्नेवगिरि ग्रामे तस्मिन्नेवालयाम्बरे ब्राह्मणः स वसिष्ठाख्य आस्वादयति रायताम् तमेव मण्डपाकाशकोणगम् शून्यमात्रगम् चतुःसमुद्रपर्यन्तम् भूतलम् सोऽनुभूतवान् आकाशात्मनि भूपीठम् तस्तराजपत्तन राजसद्मानुभवति सच साप्यरुंधती लीलाधा सा जाता तया चोप्तिरर्चिता ज्ञप्तिया सह प्रादेश मात्रे नभसी सा तत्रैव गृहोदरे ब्रह्माण्डान्तरमासाद्य गिरिग्रामकमन्दिरे परिनिर्गत्य स्वगृहे स्थितिमाययौ स्वप्नात् स्वप्नान्तरम् प्राप्य यथा तल्पगतः पुमान् प्रतिभामात्रमेवैतत् सर्वमाकाशमात्रकम् न नसंसारो न संसारो न कुड्यादि न दूरता स्वचित्तमेव कचति तयोस्तादृङ्मनोहरम् वासनामात्रसोल्लेखम् क्व ब्रह्माण्डम् क्व संश्रितिः निरावरणमेवेदम् यप्त्या आकाशम अनंतगं किञ्चित स्वचित्तेनोनीतम् स्पन्द युक्त्येव मारुतः चिदाकाशमजं शान्तं सर्वत्रैवहि सर्वदा चित्वा जगदिवाभाति स्वयमेवात्मनात्मनि येन बुद्धं तु तस्य इद आकाश दपूनग न बुद्धम ये तस्तद्रसाराचलोपम गृह यहां स्वने नगरम भातिभासुरम तथैतदसदेवा भाति भातिभासुरम यहां भाति मरौ जलम बुद्धम कटकम असत्सदी भातीद तथा दृश्यमत्मे कथये ललने ललिताकृति गृह निर्यतुर्बा्य चारुचंक्रमणक्रमे आदृश्य ग्रामोक पुरोगिरिम चुम्बिताकाशकुहरम् संस्पृष्टादित्यमण्डलम् नानावर्णाखिलोत्फुल्ल विचित्रवननिर्मलम् नानानिर्झरनिर्हाद कूजद्बन विहङ्गमम् विचित्रमञ्जरीपुञ्जपिञ्जराम्बुदमण्डलम् श्वभ्र असमाप्तशिलाश्वभ्र लतावर्तनमारुतं असमाप्तशिलाश्वभ्रलतावर्तनमारुतम् पुष्पाग्रपिहिताकाशकोशकुड्यकबारिदम् पतद्दीर्घसरित्स्रोतः स्फुरन्मुक्ताकलापकम् चलद्वृक्षबनव्यूहबातबेल्लिसरित्तटम् नानाबनाकुलोपान्तच्छाया सतत शीतलम् अथ ते ललने तत्र तदाददृशतुः स्वयं तं गिरिग्रामकम् व्योम्नः स्वर्गखण्डमिव रटत्प्रणालीपटलम् पूर्णपुष्करिणीगणम् द्विजैः कुचकुचैः कूजत्स्वलीलाश्वभ्रकच्छकम् गच्छद्गोवृन्दहुङ्कार करालाखिलकुञ्जकम् कुञ्जद्गुल्मकखण्डाढ्यम् सच्छायघनशाद्बलम् दुष्प्रवेशार्ककिरणम् दृशन्नीहारधूसरम् उदग्रमञ्जरीपुञ्जजटालम् विशिखान्तरम् शिलाकुहरवाहस्फाल प्रोच्चलन्मुक्तनिर्झरैः स्मारिताचलनिर्धूत क्षीरोदकजलश्रियम् फलमाल्यमहाभार भासुरैरजिरद्रुमैः नीयपुष्पसम्भारम् तिष्ठद्भिरिव सङ्कुलम् तरत्तरङ्गझजाङ्कारिमारुतकम्पितैः कीर्णपुष्पसमावृष्टम् द्रुमैरपि रसाकुलैः अशङ्कितशिलाकूट श्रवदब्बिन्दुटङ्कृतैः किञ्चित्कृतरवम् गुप्तैरशङ्कैः शङ्कितैः खगैः उत्फालहरीश्रान्त सीकरास्वादनाकुलैः नद्यामुडुपरावर्त वृत्तिभिर्विहगैर्वृतम् उत्तालतालविश्रान्त काकालोकनशङ्कितैः बालैः प्रगोपितामिक्षाखण्डम् जीर्णस्वभुक्तगैः पुष्पशेखरसंभार बसनग्रामबालकम् खर्जूरनिम्बजम्बीर गहनोपान्तशीतलम् क्षौमाग्रहस्ताम्बरया मञ्जरीपूर्णकर्णया

राकुलचत्वरम् तीरशाद्वलवल्लीनां दोलान्दोलनकारिभिः तरङ्गैर्बाह्यमानस्य लेखिकाङ्कितसैकतम् दधिक्षीरघनामोद क्षीरघनामोद मत्तमन्थरमक्षिकम् कामभुक्तार्थतोद्बाष्पजर्जराबलबालकम् गोमयासिक्तबलया करनारीकृतक्रुधम् धम्मिल्लबलनाभ्यग्रत्रस्तस्त्री त्रस्तस्त्री सज्जनम् दान्तपुष्पच्छदोत्सन्नापतत्ककुदबायसम् गृहरथ्या गणद्वारकीर्णक्रूरकुरण्टकम् कुरण्टकम् कुसुमितप्रभैः प्रत्यहम् प्रातरागुल्ममाकीर्ण कुसुमाजिरम् चरच्चमरसारङ्गजालजङ्गलखण्डगम् गुञ्जा शश्वसुप्तमृगार्भकम् एकान्तसुप्तवत्सैककर्णस्पन्दास्तमक्षिकम् गोपोच्छिष्टीकृत दधि खश्रिकिस्पन्दिमक्षिकम् समस्तसद्मसङ्क्षेण मक्षिकाक्षिप्तमाक्षिकम् फुल्लाशोकद्रुमोद्यान कृतलाक्षिकमन्दिरम् सीकरासारमरुता नित्यार्द्रविकचद्रुमम् कदम्बमुकुलप्रोत समस्तच्छादनत्रिणम् प्रतिकृत्तलताफुल्लकेतकोत्करपाण्डुरम् महत्प्राणालपटलीरणद्गुरुगुरारवम् वातायनगुहानिर्यत् सोधविश्रान्तवारिदम् पूर्णपुष्करिणीपङ्क्ति पूर्णराजत्पृथुत्तरम् नीरन्ध्रबिटपिच्छाया शीतलामलशाद्बलम् सर्वशष्पाग्रवाबिन्दु प्रतिबिम्बिततारकम् अनारतपतत्फुल्ल हिमवर्षसितालयम् विचित्रमञ्जरीपुष्पपत्रसत्फलपादपम् गृहकक्षान्तरालीन मेघसुप्तचिरण्टिकम् सौधस्थमेघविद्युद्भिरनादेयप्रदीपकम् कन्दरानिलभाङ्कार घनघुङ्घुममण्डपम् चरच्चकोरहारीत हरिणीहारिमन्दिरम् उन्निद्रकन्दलोद्बान्त मांसलामोदमन्थरैः मरुद्भिर्मन्दमायातु मारब्धैर्लोलपल्लवम् लावकालापलीलायामालीनललनागणम् कोककोकिलकालोल कोलाहलसमाकुलम् शालतालतमालाब्ज नीलतत्फलमालिनं बल्लीबलय विन्याससविलासबलिद्रुमम् मुत्फुल्लकन्दल मुत्फुल्लकन्दलशिलीन्द्र सुगन्धितानाम् तालीतमालदलताण्डपमण्डपाना मा रामफुल्लकुसुमद्रुमशीतलानाम् साराबवारिचलनाकुलगोकुलाना मानीलसस्यकुसुमस्थलशोभितानाम् तीरद्रुम प्रकर प्रकरगुप्तसरिद्रयाणाम् नीरन्ध्रपुष्पितलताग्रवितानकानाम् उद्यानकुन्दमकरन्दसुगन्धितानाम् गन्धान्धषट्पदकुलान्तरिताम्बुजानाम् सौन्दर्यतर्जितपुरन्दरमन्दिराणाम् राजीवराजिरजसारुणिताम्बराणाम् रम्भो बहद्गिरिनदीरवघर्घराणाम् कुन्दावदात जलदद्युतिभासुराणाम् सौधस्थितोल्लसितफुल्ललतालयानाम् लीलाबलोलकलकण्ठविहङ्गमानाम् उल्लासिकौसुमदलास्तरणस्थयूना मा पादमावलितमाल्यविलासिनीनाम् सर्वत्र सुन्दरनवाङ्कुरदन्तुराणाम् शोभोल्लसद्बरलताकुलमार्गणानाम् सञ्जातकोमलतोत्पलसङ्कुलानाम् तिष्ठत्प्रयोदपटसंबलितालयानाम् निहारहारहरितस्थलविश्रुतानाम् सौधस्थमेघ तडिदाकुलिताङ्गनानाम् नीलोत्पलोल्लसितसौरभसुन्दराणाम् हूङ्कारहारि हरितोन्मुखगोकुलानाम् विश्रब्धमुग्धमृगसारगृहाजिराणा मुन्नृत्यबर्हिघन सीकर निर्झरा सौगंध्यमत विक्लवाना कुल्याकुलाकलकलाश्रुत विस्मृतीपका कोलाहलाकुकुलायकुलाकुलाकुलाकलाश्रुतस सा फलप्रकरसुन्दरबिन्दुपातो शीताखिलद्रुमलता तृणपल्लवानाम् लक्ष्मीमनस्तमितपुष्पविकासभाजाम् शक्नोति कः कलयितुम् गिरिमन्दराणाम् इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने गिरिग्राम वर्णनम् नामाष्टाविंशः सर्गः अथ एकोनत्रिंशः सर्गः श्री वशिष्ठ उवाच तत्र ते पेततुर्देव्यौ ग्रामोऽन्तः शीतलात्मनि भोगमोक्षश्रियौ शांते पुंसेव विदितात्मनी काले लीला तेनाभ्यासेन नाभ्यासे न साभवत् शुद्धग्याने दर्शिनी अथ सस्मार सर्वास्ता प्राप्तनी ही सम्श्रित एर्गदी स्वरसे नई प्राग्जन्म जन्म मरणादि का लीलो वाचो देवि देशमिमम दृष्ट्वा त्वत्प्रसादात् स्मराम्यहं चेष्टितं चेष्टितांतरम इहै बा जीर्णा शिरालंगी कृशासित ब्राह्मणी शुष्कदर्वाग्र मेदूक्षकोदरा भर्तु कुलकरी दोहमंथान शालिनी माता सकलपुत्रणमतिथीना प्रियंक देंद्जता भक्ता सिक्तांगी घृतगोरसैः भर्जनी भर्जनीचरुकुम्भादिभाण्डोपस्करशोधिनी नित्यमन्नलवाक्तैक काचकम्बुप्रकोष्ठका जामातृदुहितृभ्रातृ आदेहं आदेहंसद्मभृत्यैव प्रक्षीणदिनयामिनी बाचं चिरं चिरमिति बादिन्यनिशमाकुला काहं कैव का संसार इति स्वप्नेप्य संकथा जाया श्रोत्रिय मूढस्य तादृशस्यैव दुर्धियः एकनिष्ठा समिच्छाक गोमयेन धन संचये म्लानकम्बलसंबीत शिरालकृशगात्रिका तर्णकीकर्णजाहस्तकृमिनिष्कासतत्परा गृहशाकायनासेकसत्वराहूतकर्परा तृणतर्पिततर्णिका प्रतिक्षणं ग्रिह द्वारक्रितलेपन वर्णका नित्यर्थम् ग्रिह वृत्तियाना मादि नक्रितवाच्यता मरियादा नियमादबध्धर बेलेवा निषमच्युता जीवृत्त्येव चिह्निता श्रीवशिष्ठौ उवाच इत्युक्त्वा सञ्चरन्ती सा शिखरिग्रामकोटरे सञ्चरन्त्याः सरस्वत्या दर्शयामास सस्मयम् इयं मे पाटलाखण्डमण्डिता पुष्पवाटिका ईम्मे पुष्पितो द्यानं मंडपा शोकवार्तिका ईम्म पुष्करनी तीरद्रुमा ग्रंथित तर्निका ईम्म साकरनी का नामनी तर्निका मुक्तपर्निका ईम्म सामेलसा कीरणा बराकी जलहारिका अद्याष्टम दिनं बाष्पो क्लिन्नाक्षी परिरोदिति इह देवी मया भुक्त मिहोषित मिह स्थित इह सुप्त मिहापीत मिह दत्त मिहारित एष पुत्रो रोदिति मंदिरे एषा मे जंगले चरतिषाबल गृहे बसतहाय रूक्षधूसर स्वदेहमिव पंचाक्ष पश्येमं प्रगणम मम तुंबी लिग्रा पुष्टा बेष्ट मम देहमीवापर एते रोदनताम्राक्षा बन्धबो भुवि बन्धनम् अङ्गदार्पितरुद्राक्षा आहरन्त्यनलेन्धनम् अनारतं शिलाकच्छे गुच्छाच्छोटनकारिभिः तरङ्गैः स्थगिताकारं स्पृष्टतीरलतादलैः सीकराकीर्णपर्यन्त शाद्वलस्थलसल्लतैः शिलाफलहकास्फाल फेनिलोत्पलसीकरैः फुल्लपुष्पोत्करासार, फुल्लपुष्पोत्करासारप्रणादोत्कतटद्रुमैः विद्रुमैरिव सङ्क्रान्त फुल्ल कीशुक व्यातया पुष्पराशीना सूल्लासन कारिभ्यम फलापूर सुव्यग्रग्राम महाकलकर्तम्तया ग्रामकु्य बेष्टितस्तरलास्फाल जलधतलोपल घनपत्रतरुनछाया सतत शीतल अयमालक्ष्यते फुलता बलन सुंदर दलद्गुकाछन्न गवाक्षो गृहम्डप अथि भर्ता जीवाकाशतया कृति चतुस्समुद्रपर्यंत मेखलाया भुव पति आस्मृत पूर्व में तेन किलासीदिवांछित राजेति तीव्र संवेगधर्मिण दिनैरष्टिवासौ तेन राज्यम समृद्धिमत चिरकाल प्रत्ययदम् प्राप्तवान परमेश्वरी अत्रासौ भर्तृजीभोमे स्थितो व्योमनि गृहेन्द्रिपः अदृश्यः हाँ खे यथा वायु रामो दोबानिले यथा इहै वांगुष्ठ मात्रान्ते तद्व्योमनेवो पदं स्थितम् मद्भर्तृराज्यमगत योजनकोटिभाक् च खमे स्वस्थ भर्तृराज्य मेश्वरी पूर्ण सहस्रैश महामेय तद्देवी भर्तृनगर पुनर्गन्तुं ममेप्सितम् तदेहि तत्र गच्छावः किम् दूरं व्यवसायिनाम् श्रीवसिष्ठौ उवाच इत्युक्त्वा प्रणता देवीं सा प्रविश्याशु मण्डपम् विहङ्गीव पुप्लुवेसि निभम् नभः भिन्नाञ्जनचयप्रख्यम् सौम्यैकार्णवसुन्दरम् नारायणाङ्गसदृशम् भृङ्गपृष्ठामलच्छवि मेघमार्गमतिक्रम्य वातस्कन्धाभनिम् तथा सौरमार्गमथाक्रम्य चन्द्रमार्गमतीत्य च ध्रुवमार्गोत्तरम् गत्वा साध्यानाम् मार्गमेत्य च सिद्धानाम् मुल्लङ्घ्य स्वर्गमण्डलम् ब्रह्मलोकोत्तरम् गत्वा तुषितानाम् च मण्डलम् गोलोकम् शिवलोकम् च पितृलोकमतीत्य च विदेहानाम् स्वदेहानाम् लोकानुत्तीर्य दूरगम् दूराद्दूरमथो गत्वा बुद्धा बभूवसा पश्चादालोकयामास समतीतम् नभः स्थलम् यावन्न किञ्चिच्चन्द्रार्क ताराद्यालक्ष्यते ह्यदः तमस्ति मित गंभीर मशाकुहरपूरकर्णवोदर प्रख्यम शिलोदर घन लीलो तद्देव लीलोवाचो क्वाधस्ते जोगतम् बदो शिलाजठर निष्पंदम मुग्राह्युता श्री देव व्यववाच एतावती मिमांब्योम नह पदबे मागतासिभो अर्क आदिण्यपि तेजांसी यतो दृश्यंत एवनो यथा महान्ध कूपाध खद्योतो नावलोक्यते पृष्ठगेन तथे हातो नाथः सूर्योऽवलोक्यते लीलोवाच अहो नुपदवीं दूर मा वामेतामुपागते सूर्योऽप्यधोणुकणवन्ना मनागपि लक्ष्यते इत उत्तरमन्या स्यात्पदवी का नु कीदृशी कथम् च मातरेतव्या कथ्यतामिति देवि मे श्रीदेव्युवाच इत उत्तरमग्रेते ते ब्रह्माण्डपुटकर्परम् यस्य चन्द्रादयो नाम धूलिलेशाः समुत्थिताः श्रीवसिष्ठौ वाचो। इति प्रकथयन्त्यौ ते प्राप्ते ब्रह्माण्डकर्परम् भ्रमर्याविव शैलस्य कुड्यम् निबिडमण्डपम् अक्लेशेनैव ते तस्मान्निर्गते गगनादिव निश्चयस्थम् हि यद्वस्तु तद्वज्रो गुरुनेतरत् निरावरणविज्ञानासाददर्श ततस्ततम् जलाद्यावरणम् परे ब्रह्माण्डस्यातिभासुरम् ब्रह्माण्डाद्दशगुणतस्तोऽयम् तत्र व्यवस्थितम् आस्थितम् वेष्टयित्वा तु त्वगिवाक्षोटपृष्ठगा तस्माद्दशगुणो वह्नि

आद्यन्तमध्यरहितम् महत्यात्मनि तिष्ठति आकल्पमुत्तमबलेन शिलापतेच्चेत् तस्मिन् बलात्पतगराडपि चोत्पतेच्चेत् तद्योजनं न लभते विमलेऽम्बरेन्तर् माकल्पमेकजवगोप्यथ मारुतोपि इत्यादि श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने परमाकाशवर्णनम नाम एकोन त्रिमश सर्गः अब सर्ग सत्ताईस 28 और 29 में लीला की सत्य संकल्पता और उसे अपने अनेक जन्मों की स्मृति का होना लीला और सरस्वती का आकाश में भ्रमण तथा परम व्योम परमात्मा की अनादि अनंत सत्ता का प्रतिपादन किया गया है श्री वशिष्ठ जी कहते हैं हे रघुनंदन उस पर्वत के तट प्रांत में बसे हुए ग्राम के भीतर उस ब्राह्मण के गृह रूपी आकाश में ही खड़ी हुई वे दोनों स्त्रियां सहसा अदृश्य हो गईं। उस घर के लोगों ने समझा कि दोनों देवियों ने हम पर बड़ी भारी कृपा की है अतः उनका सारा दुख मिट गया और वे अपने अपने काम धंधों में लग गए तत्पश्चात उस मंडपाकाश में दूसरों की दृष्टि से तिरोहित हुई लीला से जो वहाँ मुस्कुराती हुई चुपचाप खड़ी थी सरस्वती ने कहा श्री सरस्वती जी बोली बेटी तुमने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्ण रूप से जान लिया है द्रष्टव्य पदार्थों को देख लिया है इस प्रकार की यह ब्रह्म सत्ता है बताओ अब और क्या पूछती हो लीला ने पूछा देवी मेरे मृत पति का जीव जहाँ पर राज्य करता है वहाँ पर मुझे उन लोगों ने क्यों नहीं देखा और यहाँ मेरे पुत्र ने मुझे कैसे देख लिया तब श्री सरस्वती जी ने कहा सुंदरी मैं लीला हूँ ऐसा जो तुम्हारा दृढ़ संस्कार था वह पहले नष्ट नहीं हुआ था क्योंकि उस संस्कार को मिटाने के लिए तुमने वैसा अभ्यास नहीं किया था जब तक वह संस्कार बना हुआ था तब तक तुम्हारी सत्य संकल्पता प्रकट नहीं हुई थी अब वह संस्कार मिट जाने से तुम सत्य संकल्प हो गई हो इसलिए जब तुमने यह अभिलाषा की कि मेरा पुत्र मुझे देखे तब तुम्हारा वह मनोरथ तत्काल सफल हुआ इस समय यदि तुम अपने पति के समीप जाओ तो उसके साथ भी तुम्हारा सारा व्यवहार पहले की ही भांति होने लगेगा लीला बोली हे देवी इसी मंडप के आकाश में मेरे पतिदेव ब्राह्मण उत्पन्न हुए और इसी में मृत्यु को प्राप्त होकर राजा हो गए अन्य भूमंडल रूप उनका वह संसार भी यही है इसमें जो उनकी राजधानी का नगर है उसमें मैं उनकी राज महिषी के रूप में स्थित हूँ यहीं उस अंतपुर में मेरे पति राजा पद्म की मृत्यु हुई और इसी अंतपुर के आकाश में वह नगर है जिसमें वे पुनः राजा हुए हैं ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के पश्चात आज तक विभिन्न योनियों में जो मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं उनमें से 800 जन्मों को तो मैं इस समय पुनः देख सी रही हूँ उनकी सारी बातों का स्पष्ट रूप से स्मरण कर रही हूँ हे देवी पहले किसी दूसरे संसार मंडल में मैं लोकांतर रूपी कमल की भ्रमरी विद्याधर राज की धर्मपत्नी हुई थी उन दिनों मेरा हृदय दुर्बासनाओं से दूषित था इसलिए उसके बाद मैं मनुष्य योनि में उत्पन्न हुई तदनंतर दूसरे संसार मंडल में मैं नागराज की भारिया बनी इसके बाद कदम्ब कुंद जम्बीर और करंजों के वन में निवास करने वाली तथा वृक्षों के पत्तों को ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाली काली कलूटी भीलनी बन गई तदनंतर पुरुषत्व रूपी फल देने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप मैं सौ वर्षों तक सौराष्ट्र देश में श्री संपन्न राजा होकर रही फिर राजा शरीर से बने हुए दुष्कर्म दोष के कारण ताड़ वृक्ष के नीचे किसी नदी के कछार में नौ वर्षों तक नेवली की योनी में रही उस समय मेरे सारे अंग कुष्ठ रोग से नष्ट प्राय हो गए थे देवी उसके बाद मैं सौराष्ट्र देश में आठ वर्षों तक गऊ का शरीर धारण करके रही उस योनि में दुर्जन दुष्ट अज्ञानी और बालक ग्वालवालों की मारने पीटने आदि क्रीड़ाओं का साधन बनी रही फिर क्रमशः पक्षिणी भ्रमरी और मनोहर नेत्रों वाली हरिणी मछली पुलिंद जाति की स्त्री सारसी और राजहंसी बनी इस प्रकार नाना प्रकार के शत शत दुखों से संकुल अनेक-अनेक योनियों में मैंने भ्रमण किया तराजू के पलड़े की भांति कभी ऊंचे उठने और कभी नीचे गिरने से मेरे सारे अंग व्याकुल होते रहे मैं संसार रूपी विशाल सरिता की चंचल तरंग बनकर उठती और विलीन होती रही हूं जैसे बातप्रमी जाति की हरिणी की गति को रोकना कठिन है उसी प्रकार मैं दुर्निवार्य आवागमन की परंपरा में पढ़कर क्रमशः विभिन्न योनियों में भटकती आई हूं इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करती हुई वे दोनों सुंदरी ललनाएँ मनोहारिणी गति से उस घर के बाहर निकली उस समय गांव के लोग उन्हें देख नहीं पाते थे परंतु वे दोनों अपने सामने के पर्वत को अच्छी तरह देख रही थी लीला बोली देवी इस देश को देखकर मैं आपकी कृपा से अपने पूर्व जन्म की उन सब विविध चेष्टाओं का स्मरण करती हूँ जो यहाँ घटित हुई हैं मैं यहीं बूढ़ी ब्राह्मणी के रूप में रहती थी मेरे सारे अंग उभरी हुई नसनाडियों से व्याप्त दिखाई देते थे मैं बहुत दुबली पतली थी मेरा शरीर गौर और बाल सफ़ेद थे मेरी हथेली सूखे कुशों के अग्रभाग से छिन्न भिन्न होती रहने के कारण रूखी हो गई थी मैं अपने पतिदेव के कुल की वृद्धि करने वाली भारिया थी दूध और मथानी मेरी शोभा बढ़ाते थे मैं सारे पुत्रों की अकेली माता और अतिथियों का सत्कार करने वाली गृहिणी थी देवताओं ब्राह्मणों और संत महात्माओं के प्रति मेरे मन में बड़ी श्रद्धा थी बड़ी भक्ति थी मैं भर्जन पात्र पतेली, तपेली चरुस्थाली तथा कलश आदि पात्रों एवं यज्ञ के अन्य उपकरणों को धो पहुँच साफ सुथरा रखती थी जमाई बेटी भाई पिता और माता की सदा सेवा शुश्रूषा करती थी जब तक मेरा शरीर रहा तब तक घर की ही सेवा टहल में मेरे दिन रात बीतते थे ओहो इस काम में बहुत देर हो गई बड़ा विलम्ब हुआ इत्यादि बातें कहती और निरंतर कार्य में व्यस्त रहती थी मैं कौन हूँ या संसार कैसा है इस बात की चर्चा या इन प्रश्नों पर विचार कभी स्वप्न में भी मैंने नहीं किया मेरे पति श्रोत्री होने के साथ ही तत्व विचार में मूढ़ थे मेरे ही समान उनकी भी घर में आसक्ति बनी हुई थी उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं थी समिधा साग सब्जी गोबर और ईंधन के संग्रह में ही मेरी एकमात्र निष्ठा थी घर के पास खेतों में जो साग सब्जी की क्यारियाँ थीं, उन्हें सींचने के लिए मैं जल्दी जल्दी जलपात्र लेकर आने के निमित्त नौकरों को पुकारा करती थी जल की लहरों के किनारे जो हरी हरी घासें उगी होती थीं, उन्हें स्वयं लाकर मैं अपनी छोटी सी बछिया को तृप्त किया करती थी प्रतिक्षण घर के दरवाजे को लीप कर वहाँ चौक बनाती और उसमें भांति भांति के रंग भरकर उसे सजा देती थी घर के नौकरों को शिक्षा देने के लिए मैं कुछ दीनता के साथ नम्रतापूर्वक समझाती कि लोग तुम्हारी निंदा करेंगे इसलिए तुम्हें विनय और सदाचार से रहना चाहिए जैसे समुद्र अपनी तटभूमि का लंघन न करके निरंतर मर्यादा में स्थित रहता है उसी प्रकार मैं भी धर्म मर्यादा के नियम से कभी चुत नहीं होती थी श्री वशिष्ठ जी कहते हैं रघुनंदन यों कहकर उस पर्वतीय ग्राम के भीतर भ्रमण करती हुई लीला ने अपने साथ विचरती हुई सरस्वती देवी को मंद मंद मुस्कान के साथ वहाँ की एक एक वस्तु को दिखाया फिर वह इस प्रकार बोली देवी इस घर के आकाश में ही वह मेरे पति का जीव राजा के रूप में रह रहा है यहीं अंगुष्ठ मात्र गृहाकाश के भीतर ही स्थित परमार्थ वस्तु जो परब्रह्म है उसको मैंने भ्रम से करोड़ों योजन विस्तृत अपने पति का राज्य समझा था हे जगदीश्वरी हम दोनों चेतन आकाश रूप परमात्मा ही हैं मेरे पतिदेव का राज्य जो सहसरो पर्वतों से भरा हुआ है उस आकाश में ही स्थित है यह बहुत बड़ी माया फैली हुई है इसलिए देवी अपने पति के नगर में जाने की पुनः मेरी इच्छा हो रही है अतः चलिए हम दोनों वहाँ चलें जिन्होंने कहीं जाने का निश्चय कर लिया हो उनके लिए वह स्थान क्या दूर है यों कहकर लीला ने देवी को प्रणाम किया और शीघ्र ही गृह मंडप में प्रवेश कर सरस्वती देवी के साथ वह आकाश में उड़ चली भगवान विष्णु की अंगकांति के समान नीले मेघ पथ को लांघकर कर वे प्रवह आदि सात वायुओं के लोक में जा पहुंची फिर वहाँ से सौर मार्ग और चंद्रमार्ग को लांघती हुई वे ध्रुव मार्ग से भी ऊपर पहुँच गईं इसके बाद साध्यों के मार्ग से ऊपर उठकर सिद्धों की भूमि को भी लांग गई और स्वर्गमंडल को भी लांघकर कर अत्यंत दूर जाने पर लीला को कुछ बोध हुआ फिर उसने पीछे फिरकर पार किए हुए आकाशस्थल का अवलोकन किया वहाँ से नीचे देखने पर चंद्रमा सूर्य और तारा आदि कुछ भी दिखाई नहीं देते थे केवल अंधकार ही अंधकार था तब लीला ने पूछा देवी बताओ सूर्य आदि का तेज नीचे कहाँ चला गया पत्थर के मध्य भाग की भांति सुदृढ़ एवं घनीभूत होने के कारण मुट्ठी में लेने योग्य यह अंधकार कहाँ से आ गया श्री सरस्वती देवी ने कहा बेटी तुम इतनी दूर आकाश में आ गई हो कि यहाँ से सूर्य आदि का तेज भी नहीं दिखाई देता लीला बोली देवी यह तो बड़े आश्चर्य की बात है क्या हम दोनों आकाश मार्ग में इतनी दूर आ गई हैं जहाँ से नीचे सूर्य देव भी परमाणु के कण की भांति तनिक भी दिखाई नहीं देते माता जी इसके आगे दूसरा मार्ग कौन और कैसा होगा और उसमें कैसे जाना होगा देवी यह सब मुझे बताइए श्री सरस्वती देवी ने कहा बेटी इसके बाद आगे तुम्हें ब्रह्मांड के संपुट के ऊपरी कपाल में जाना है श्री वशिष्ठ जी कहते हैं रघुनंदन जैसे दो भ्रमरियाँ पर्वत की चट्टानों से बनी हुई घनीभूत मंडप वाली दीवाल पर पहुँच जाएँ उसी प्रकार आपस में उपरयुक्त बातें करती हुई वे दोनों देवियाँ ब्रह्मांड संपुट के ऊपर वाले कपाल तक पहुँच गईं साथ ही जैसे कोई आकाश से निकले उसी तरह से वे वहाँ से अनायास ही बाहर निकल गईं जो वस्तु सत्यता के दृढ़ निश्चय से युक्त होती है वही वज्र के समान ठोस और भारी होती है और जो इससे भिन्न कल्पित दीवार आदि वस्तु हैं वह मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित हो जाती हैं लीला का विज्ञान आवरण शून्य था इसलिए वह ब्रह्मांड संपुट के ऊपर वाले कपाल को मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित करके उससे बाहर निकल गई ब्रह्मांड के पार जाने पर उसे अत्यंत प्रकाशमान जल आदि का आवरण दिखाई दिया जो सब और व्याप्त था उस आवरण समुदाय में जो जल का आवरण है उसमें ब्रह्मांड की अपेक्षा दस गुना अधिक जल विद्यमान है उसके बाद उससे भी ज़्यादा दस गुना अग्निमय आवरण है फिर उससे भी दस गुनी वायु और उससे भी दस गुने आकाश के आवरण हैं तदनंतर विशुद्ध चिन्मय आकाश है उस परम व्योम चेतना का स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में आदि मध्य और अंत की कोई कल्पनाएं उदित नहीं होती वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण एवं अपरिच्छिन्न है वह अद्वितीय सर्वव्यापी शांत आदि अथवा कारण से रहित अनादि, अनंत मध्य रहित तथा अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है उस निर्मल चेतना काश स्वरूप परमात्मा में यदि कोई एक कल्प तक बड़े भारी बैग से ऊपर से नीचे की तरफ पत्थर की शिला गिरती रहे और नीचे से पक्षीराज गरुड़ भी अपना सारा बल लगाकर ऊपर की तरफ उड़ें तथा उनके बीच में सबको मापने में समर्थ वायु समान बेग से दोनों ओर बहे तो वह भी उन दोनों का संयोग नहीं पा सकती इस प्रकार ब्रह्म की अनंत सत्ता को बताने वाला यह सत्ताईस अट्ठाइस और उनतीसवा सर्ग पूरा हुआ